हेलो एवरीवन, मैं हूँ जूली और आपका स्वागत है जूलीस रेसिपी में। आज मैं आपके साथ पालक के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने 200 ग्राम पालक लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम कट करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। पहले हम थोड़े थोड़े से पालक ले लेंगे, ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। इसको ऐसे इकट्ठा करके और फिर हम इसे चाकू से कट करेंगे। पहले बीच में से कट करें, फिर इनको इकट्ठा ले लें, फिर इनको हम छोटे छोटे कट करेंगे। इसी तरीके से आपको सारे पालक कट कर लेने हैं। ये सारा पालक कट कर लिया है मैंने। अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची ऐड करेंगे, 4 से 5 हरी मिर्ची इसके अंदर हम ऐड करेंगे। और इसके अंदर हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच इसके अंदर हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और आधी चम्मच से थोड़ी सी कम मिर्ची पाउडर। आप चाहे तो मिर्ची पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे। अब इनको हम हाथों से इसका एक डोब सा बना लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। पानी ऐड नहीं करना है आपको, बस आप ऐसे ऐसे इसको करते जाएंगे तो इसके पालक के अंदर जो पानी होगा उसी से ये अच्छा सा डोब सा बन जाएगा। जैसे पकोड़े का हम बनाते हैं ना, उसी टाइप का आपको बनाना है इसको। बेसन आपको जितना रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से डालें। बेसन थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक बार में ज़्यादा ना डालें, वरना वो एक्स्ट्रा भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसे मसलते जाए ऐसे। ये देखिए हमारा जो ये पेस्ट है इसका अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। आपको भी कुछ इसी तरीके से बनाना है। ये देखिए अब इसका हम पकौड़े बनाएंगे तो ये आराम से बन जाएगा। इसी तरीके से आपको भी बनाना है। तो अब इसको हम तलते हैं। गैस पे हम एक कुकर चढ़ाएंगे, सॉरी कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। आप कोई सा भी तेल डाल सकते हैं, मैं इसमें रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तेल को अच्छे से गर्म होने दें। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम पकोड़े डालेंगे जो हमने पालक के बनाए थे। दूसरी साइड से पलट देंगे हम एक साइड सिकने के बाद। दूसरी साइड से भी पका लेंगे। ये देखिए हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छे से पक चुके हैं, देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया इनका। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से आपको सारे पकोड़े पका लेने हैं। अब हम कोफ्ते की ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये पतीला रखा है गैस पे। आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं या कोई और बर्तन भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम तेल डालेंगे। मैं इसके अंदर सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप चाहे तो कोई और ऑयल भी यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच इसके अंदर हम भर के सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे।
तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम एक छोटी चम्मच मेथी का दाना डालेंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसको मैंने पेस्ट मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज को हम भून लेंगे इसका कलर जब तक चेंज ना हो जाए। प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं। इसको भी हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। एक मिनट हो चुका है और प्याज और जो लहसुन हमने डाला था उसकी अच्छे से भुन चुकी है, उसकी स्मेल भी खत्म हो चुकी है। अब इसके अंदर हम टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। ये मैंने 2 टमाटर लिया है, उसका मैंने पेस्ट बना लिया। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही में हम नमक भी ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। हमने पकौड़ों में भी नमक डाल रखा था इसलिए हम नमक का ध्यान रखें। अब इसको हम भी भून लेंगे जब तक इसका तेल अलग ना हो जाए। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिक्स कर देंगे इनको। अब मसालों को अच्छे से पका लेंगे जब तक कि अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और तेल हमारा मसालों से अलग ना हो जाए, जब तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं जो मसाला है वो तेल छोड़ चुका है, हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ। इसमें हम उबाल आने देंगे। ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब इसको हम 5 मिनट तक और पका लेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके उबलते हुए। अब जो हमने ये पकोड़े बनाए थे वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। एक बार इसे मिक्स कर दें। अब इसको हम पकने देंगे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकने दें। 5 मिनट हो चुके हैं, अब अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। हमारी जो सब्जी वो पक के तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इसको डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।